नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है और आईटीआई स्टूडेंट के लिए, लाइक फीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए, टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों। मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसका आज पार्ट 17 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 16 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आई होप दोस्तों आपको वो सेशन जितने भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं काफ़ी पसंद आए होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल मेथोलॉजी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। एक बार अवश्य उसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 17 की, जो कि काफ़ी रिलेवेंट है। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे, जैसे आईटीआई में, अप्रेंटिस में, डीआरडीओ, इसरो, वेल, सेल, गेल, एमडीएल, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएएल, वीएल एटसेट्रा एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। बने रहिए अंत तक। और मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कैसे आपको इस कैंपेन में इनरोल होना है और डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर, देन सर्च करना टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना, देन प्रेस करना बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी एंड विद ट्यूटोरियल व्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेशन जो है मेरा, जैसे कि आपको BHL की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग कोई गेल की कर रहे हैं, बेल की कर रहे हैं, इसरो, DRDO, OFV, IUCL, ONGC, ITI में पढ़ रहे हैं, ITI स्टूडेंट हैं, ITI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अप्रेंटिस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। और फीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इसमें काफ़ी आपको होने वाला है फीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए, एंड अदर ट्रेड के लिए भी 20% से ज़्यादा मेरे द्वारा इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अंत तक बने रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा आपकी अगर कोई क्वेरी हो। चलते हैं दोस्तों आज के हम पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ड्रिलिंग जिग्स आर यूज्ड फॉर, ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, क्लैंपिंग द जॉब व्हाइल ड्रिलिंग, क्लैंप जॉब को क्लैंप करने के लिए ड्रिलिंग के दौरान, ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, टैपिंग करने के लिए एंड अदर अलाइड ऑपरेशन करने के लिए, शार्पनिंग ड्रिल टू करेक्ट एंगल, ड्रिल को शार्प करने के लिए करेक्ट एंगल में। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा करेक्ट आंसर लगता है जल्दी से आप कमेंट करिएगा, और नहीं कर आपको अपने ऑप्शन नहीं दे पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ड्रिलिंग जिग जो यूज़ किए जाते हैं हमारे, वो यूज़ किए जाते हैं ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग एंड अदर अलाइन ऑपरेशन के लिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी बन रही होगी, ड्रिलिंग जिग्स या ड्रिलिंग जिग्स कैसे होते हैं, हमने तो देखे नहीं है। अगर नहीं देखे तो चलिए मैं आपको एक ड्रिलिंग जिग की झलक, एक छोटी झलक दिखा देता हूँ कैसे होते हैं, और उसके मैनी टाइप्स भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये होते हैं कुछ हमारे पास ड्रिलिंग जिग्स के कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे टेम्पलेट जिग, प्लेट टाइप जिग है, ओपन टाइप जिग है, स्विंगिंग लिप जिग है, बॉक्स टाइप जिग है, चैनल टाइप जिग है, सैंडविच जिग है, एनुअल टाइप जिग है, ठीक है। तो ये कुछ मल्टी जो अपने ऑपरेशंस हम करते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल पर्पज़ जिग भी इसमें है, ठीक है। इसमें से एक नॉर्मल जो जिग हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट, एक तरह से आप समझ सकते हो उसी की तरह का, जैसे हमने कोई ये नीचे वर्क पीस आपको दिखाया गया, ये आपको यहाँ वर्क पीस है, इसके ऊपर एक प्लेट रख दी है जो हमने यहाँ दो ड्रिल करने पहले से होल्ड होते हैं उसमें, उसको उसके ऊपर क्लैंप कर दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्ड में अगर हमने कोई उसी के अनुसार कोई ड्रिल करना है तो उसी शेप के ड्रिल और उस टेम्पलेट के द्वारा उसी आकार में बिना किसी डायमेंशन लिए, बिना कोई मार्किंग किए हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रिलिंग जिसका जो पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ होता है मास प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ड्रिलिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इसका डिटेल में लेक्चर लेके आऊँगा वो आई होप बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आशा करता हूँ जल्दी आपको लेकर आऊँ डिटेल में जिग्स एंड पिक्चर पढ़ने वाले हम। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्किल फ्री सरफेस ऑन दी कंपोनेंट। दोस्तों, पहला ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम इंडा हार्डनिंग, नाइट हार्डनिंग, के सार्डनिंग। इनमें से पूछा गया कौन सा एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसमें स्केल फ्री सरफेस हमें जो कंपोनेंट की प्राप्त होती है। दोस्तों, ये चारों जो हैं हमारे एक केस हार्डनिंग के प्रोसेस हैं, जैसे कि इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग एंड केस हार्डनिंग।
तो इनमें से दोस्तों जो इंडक्शन हार्डनिंग होती है, वो आप में से कुछ लोगों ने होता हुआ प्रोसेस देखा होगा तो होगा उसका, कुछ ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडक्शन हार्डनिंग ही है। स्केल फ्री जो सरफेस हमें प्राप्त होती है इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा ही होती है। ठीक है, पर मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ दोस्तों। ये होता है इंडक्शन हार्डनिंग का प्रोसेस, इसमें आपको ये दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग हीटिंग बात है, ठीक है, चेन ऑफ फ्यूनेमना। ठीक है, इसका फ्यूनेमना क्या होता है, वो होता है दोस्तों पावर सप्लाई डिलीवर करता है करंट, ये आपको दिख ही रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट से टू इंडक्शन कॉइल तक, इंडक्शन कॉइल तक पावर सप्लाई फ्लो करता है। उसके बाद क्या होता है, कॉइल में जो करंट होता है जो फ्लो कर रहा होता है जनरेट मैग्नेटिक, वो क्या काम करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, लाइन ऑफ फील्ड ऑलवेज गो अराउंड द कॉइल टर्न्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉलोइंग थ्रू द पार्ट क्रॉस सेक्शन कपल टू द पार्ट इंड्यूस करता है वोल्टेज इन द पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोसेस है आपने कुछ में देखा होगा, नहीं देखा तो ये आपको प्रोसेस दिखा दिया है किस तरीके से होता है। इसमें होता क्या, मैग्नेटिक जो इसकी जो तरंगे होती हैं उनके द्वारा, वो क्या है उनको क्या हम यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एक तरफ से इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दें, दूसरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसके द्वारा जो होता है उससे हमें जो पावर सप्लाई के द्वारा एक सर्किट होता है हमारा पावर सप्लाई सर्किट, उससे होता क्या है इनका एक इसकी सरफेस होती है उसमें क्या होता है एक एक हीट हीट पैदा हो जाती है, अंदरूनी हीट। उससे होता क्या है उसकी सरफेस जो है हार्ड होने लगती है और बाहरी कोई विरूपण भी नहीं होता, मतलब एक तरह से विरूपण मतलब आप समझ सकते हो अगर कोई पार्ट आपका एक्यूरेसी में है तो उसमें वही एक्यूरेसी में आपका बना रहेगा, लगभग थोड़ा बहुत मतलब 19-20 हो सकता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर विच इज नॉर्मली यूज एज रेफरेंस बेस ऑफ मेजरिंग एंगल इज। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होता क्या है, नॉर्मली यूज रेफरेंस बेस सरफेस को जो मेजरिंग करते टाइम रेफरेंस सरफेस जो प्रोवाइड कराता है उसका कौन सा भाग होता है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होता है स्टॉक होता है डिक्स या मेन स्केल, वैसे कौन सा पार्ट होता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा होता है। ठीक है हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका दोस्तों स्टॉक। स्टॉक क्या काम करता है, वो हमें एक बेस रेफरेंस बेस प्रदान करता है इसमें मेजरिंग करते टाइम। ठीक है, ब्लेड का क्या काम होता है, अगर कोई चीज एंगल में तो एंगल वाली जो सरफेस है उसके ऊपर मतलब क्या होता है एंगल में होता है, बट स्टॉक क्या है वो हमें बेस प्रदान करता है, यही इसमें पूछा गया था। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। ठीक है, ये हमारा बेवल प्रोट्रैक्टर हो गया। इसमें एक मोस्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है डायल, डायल जो होता है जो डायल पर जो वर्नियर स्केल होती है वो डायल पर होती है, मेन स्केल जो होती है वो डिस्क पर होती है। कई बार ये पूछ लेता है डिस्क पर कौन सी स्केल होती है, मेन स्केल होती है, वर्नियर स्केल किस पर होती है वो डायल पर होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये पूछ लेता है इसमें दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इसमें बेस रेफरेंस बेस कौन प्रोवाइड करता है, वो स्टॉक होता है, स्टॉक प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ और तीसरी चौथी चीज़ जो होगी वो इसमें एक जो ब्लेड कटा होता है इसके कितने एंगल पर कटा होता है, एक साइड में जो होता है वो 60 डिग्री पर कटा होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा है ये 60 डिग्री एंगल पर कटा हुआ है, दूसरी साइड 45 डिग्री एंगल पर। तो दोस्तों ये वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है, इससे इतने सारे क्वेश्चन आप समझ नहीं सकते बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ में आपने 10 क्वेश्चन साथ में और कंप्लीट कर लिए। आई होप ये मेथोडोलॉजी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, तो अंत तक बने रहें दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी द बीकेस्ट एलिमेंट इन द फ्लैंज कपलिंग ज्वाइंट, फ्लैंज कपलिंग ज्वाइंट में सबसे बीकेस्ट एलिमेंट तत्व कौन सा होता है, नहीं भाग कौन सा होता है, जब फ्लैंज होती है शाफ्ट होती है बोल्ट होती है की होता है, बोल्ट भी नहीं होती दोस्तों, फ्लैंज ज्वाइंट आपने देखा होगा बोल्ट नहीं होता, शाफ्ट भी नहीं होती, शाफ्ट तो काफ़ी हैवीएस्ट होती है, फ्लैंज भी मतलब इतनी ज़्यादा कमजोर नहीं होती, होती है भले ही कास्ट आयरन वगैरह की है लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं होती। ठीक है, बोल्ट भी इतना कमजोर नहीं होता, बट की क्या है कि छोटा सा एक पार्ट है वो क्या होता है कई बार क्या होता है टूट जाती है घिस जाती है जल्दी, तो जिससे क्या होता है बड़ा एक्सीडेंट होने से हमारा घुस जाता है, तो की इसका क्या होता है वीकेस्ट पॉइंट। ठीक है, वीकेस्ट ज्वाइंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच प्रॉपर्टी ए मेटल कैन बी पुल्ड इनटू वायर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके द्वारा हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलेबिलिटी, नो, मैलेबिलिटी का कारण क्या होता है वो कि मतलब धातु हमारी सॉफ्ट है मैलेबल है
जिसमें हमारे कर्ली टाइप के चिप्स प्रोवाइड होते हैं वाइल टर्निंग के दौरान। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी जो होती है उससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ मोड़ मतलब खींच सकते हैं। तन्यता, तन्यता मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कोई मतलब मैलेबल है, कॉपर है, उसका तार बना सकते हैं, एल्युमिनियम के तार, ये डक्टिलिटी का गुण है, तो तभी उनके तार बन सकते हैं। टफनेस, काफ़ी मजबूती होती है, ब्रिटलनेस और भंगुरता जैसे कि आपका कष्टन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो डक्टिलिटी होगा। डक्टिलिटी के द्वारा क्या होता है, हम कोई भी वायर वगैरह बनाते हैं, यही डक्टिलिटी के गुण के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, आई होप मैं एक बार आपको डक्टिलिटी का थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ। साइड में आपको दिखाया गया यह डक्टिलिटी प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेरियल विच इनेबल इट टू ड्रा आउट इन टू थिन वायर, वायर में कन्वर्ट कर सकता है। ईजी, माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मेटल, जैसे कि माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मेटल है। द परसेंट एलंगेशन एंड द रिड्यूशन इन एरिया टेंशन इज ऑफन यूज इम्पेरिकल मेजर ऑफ डक्टिलिटी, जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ नीचे दिखाया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ही हो गया, लेकिन एंड पॉइंट ये है, तो ये क्या होता है, एक डक्टिलिटी टेस्ट होता है, इतना ही खिंच जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ दिखाया गया टंगस्टन कार्बाइड की डाई है। ठीक है, ये वायर बनाने का एक प्रोसेस है, कॉपर है, कॉपर की वायर जो बनाने का एक प्रोसेस है। यहाँ इतनी मोटी एक रॉड टाइप की लगी होती है, मोटी वायर, उससे हम रिड्यूस करते हुए छोटा सा होल होता है, उसके थ्रू छोटी वायर निकाल सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं बिना उसको बीच में से तोड़े। तो यह दोस्तों पॉसिबल होता है डक्टिलिटी प्रोसेस के कारण, मतलब डक्टिलिटी का एक जो गुण होता है उसके कारण। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टेपर सैंक ड्रिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाई मीन्स ऑफ, द टेपर सैंक ड्रिल को जो हम रिमूव करते हैं मशीन के स्पिंडल से, जो उसका मतलब किसके द्वारा किया जाता है मशीन स्पिंडल से, मीन्स ऑफ हैमर के द्वारा किया था, पंच के द्वारा किया था, टैंग ऑफ फाइल के द्वारा, ड्रिल डिप के द्वारा। सो आपने कई बार ड्रिलिंग की होगी, आप फिटर बैकग्राउंड से हैं, फिटर ट्रेड्स हैं, तो ड्रिलिंग क्या क्या है कि हाँ नॉर्मली होता है ड्रिलिंग प्रोसेस। ठीक है, कोई भी कर सकता है, टेक्निकल बंदा तो ड्रिलिंग कर सकता है। ठीक है, और उसको पता भी होता है, बट उसको ये नहीं पता होता मेरे को ड्रिल लगा तो है, कर तो लूँगा, लेकिन उसको निकालना कैसे है। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट होती है, आपने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी, तो मैं एक बार उसको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो साइड में आपने देखा होगा ट्विस्ट ड्रिल, इसमें आई ड्रिल चक, ये हॉल दिया हुआ आई होल है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, ये ड्रिल चक लगा हुआ हमारा, ये डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हो ड्रिल चक है, ये डायरेक्ट इसमें क्या है, स्पिंडल में लगा हुआ है। ड्रिल चक छोड़िए, आप डायरेक्ट मान लीजिए इसको स्पिंडल में लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, और यहाँ साइड में आपको दिखाया गया ये निकालने का प्रोसेस, यही पूछा गया था किसके द्वारा निकाली, ये एक होल दिया है ना, आई होल टाइप का ब्लाइंड होल, ये सॉरी, ठीक है, ये आई होल टाइप का, सॉरी की होल का टाइप का दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या किया जा रहा है, ये आपको ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा हल्का सा इसको दिया गया, क्योंकि एक टेपर में होती है 9 डिग्री की टेपर में होती है। ठीक है, इसको हल्का सा इसके अंदर डाला, हल्की सी हमर से चोट मारी जाती है, इससे क्या होता है ड्रिल हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही एक उसमें पूछा गया था किसके द्वारा हम ड्रिल को रिमूव कर सकते हैं मशीन स्पिंडल से। ठीक है, तो यही पूछा गया था, ये आपने किया भी, आपको पता भी है, नहीं पता तो आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी इज यूज्ड इन लैथ मशीन टू प्रिवेंट द बैंड फॉर्मेशन इन अलोंग विद हैवी रोड, टू स्ट्रेंथन स्ट्रेंथ टू द लैथ, टू प्रिवेंट द प्रेशर अप्लाइंग ऑन टूल, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्टडी का आपने अगर टर्नर बैकग्राउंड से, उनको अच्छे से पता होगा, फिटर वालों को भी अच्छे पता होगा, मशीनिस्ट वालों को तो पता ही है, वो तो कंबाइन है मतलब। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, फिटर का जो कार्य, सॉरी स्टडी का जो कार्य होता है, स्टडी का कार्य होता है किसी भी लैथ मशीन के जो हैवीएस्ट जो लंबी जॉब होती है, तो ये पार्ट होता है, भाग कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई भी आपका वर्क पीस है, लंबी है रॉड है कोई लंबी, जो लंबी रॉड है उसको सहारा देने के लिए, ताकि वो बैंड ना हो काम करते टाइम और इजीली हम उसको वर्क उसके ऊपर कर पाएँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टडी का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये दोस्तों कोई लंबा और थोड़ा हैवी वर्क पीस था, इसके लिए हमने साइड में एक स्टडी लगाया हुआ है, कि रिवॉल्विंग टाइप उसमें रोलर लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमारा हुआ क्या, जॉब आपने देखा पकड़ा हुआ कैसे, अगर हम स्टडी ना लगाएं और जॉब को ऐसे ही पकड़ें तो क्या आप कर सकते हो मशीनिंग कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं।
ठीक है, हो अगर एक बार को आप करना भी चाहो हो भी सकता है, बट वो क्या है एक्यूरेट फॉर्म तैयार नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी होता है स्टडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट पेपर इज अवेलेबल इन नंबर फॉर्म। मोस्ट पेपर का जो प्रयोग किया था किन नंबर में होता है, 1 to 7 होता है, 0 to 7 होता है, 1 to 8 होता है, 0 to 6 होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, अप्रेंटिस का एग्जाम हो चाहे ITI का एग्जाम हो चाहे किसी कम्पिटेटिव एग्जाम का, किसी कम्पिटेटिव कंपनी या फैक्ट्री का एग्जाम हो, किसी संस्थान का एग्जाम हो, तो दोस्तों इसमें क्या है हर बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें दोस्तों कई बार दोस्त लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि इसमें आपको बुक में अगर पढ़ोगे अलग अलग कुछ दिया हुआ, किसी में आपको देखने को मिल जाएगा 06, किसी में मिलेगा 07, बट एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, वो होता है 0 to 7। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, MT0, MT01, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7। दोस्तों ये 07 तक जो दिखाए हैं ना, तो इसका क्या है यही होता है 0 to 7, ठीक है। 1 से 0 से 7 तक होते हैं मोस्ट पेपर इज अवेलेबल फ्रॉम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट सोल्डिंग इज जनरली डन एट टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस, अबव द 1200 डिग्री सेल्सियस, अबव द 450 डिग्री सेल्सियस, अब बिलो 350 डिग्री सेल्सियस। नरम टांका आमतौर पर के तापमान पर किया जाता है, इसके तापमान पर किया जाता है, तो जो सोल्डिंग की जाती है वो 350 डिग्री से नीचे ही की जाती है, ठीक है। बाकी हाँ अगर आप बोलना चाहो ब्रेजिंग, ब्रेजिंग इससे ऊपर की जाती है, बट सोल्डिंग क्या है इससे नीचे की जाती है, सॉफ्ट सोल्डरिंग, क्योंकि ये क्या है एक सेमी जॉइंट का एक प्रारूप है, एक तरीका है सेमी जॉइंट के लिए, ठीक है। ये एक परमानेंट जॉइंट नहीं होता, सेमी जॉइंट की तरह ही होता है एक तरह से। तो दोस्तों इसका क्या होगा, 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ टेलीस्कोप स्पिंडल ऑन सेंटर लेंथ इज क्या पर्पज़ है उसका दोस्तों, टू होल्ड द कैच प्लेट, टू होल्ड द लेंथ सेंटर, बॉल सेंटर। इनमें से दोस्तों सेंटर लेंथ पर टेलीस्कोप करना क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा मतलब माइंड से सोच के मतलब इसका आंसर दीजिएगा, थोड़ा इसको कंसेप्ट समझिएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। द पर्पज ऑफ टेलीस्कोप स्पिंडल, टेलीस्कोप के स्पिंडल का ऑन सेंटर लेंथ इज, वो क्या काम करता है, टू होल्ड द कैच प्लेट, ये तो बिल्कुल हटाई दो, एलिमिनेट कर दो इसको, टू होल्ड द लेंथ सेंटर, इसको साइड में रख लो मे बी, बॉल सेंटर बिल्कुल मे बी, टिप सेंटर मे बी, बट इसका क्या पूरा तो एक कंबाइन दे दिया बी में, बी में क्या दे दिया इसने, टू होल्ड द लेंथ सेंटर, तो बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये शासन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको टेलीस्कोप दिखा भी देता हूँ, ये हमारा टेलीस्कोप है, ठीक है। ये टेलीस्कोप में आपको ये लाइव सेंटर दिख रहा है, सॉरी डेड सेंटर दिख रहा है, डेड सेंटर समझ लीजिएगा इसको, लाइव सेंटर समझ लीजिए, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लगा सकते हो आप इसमें। ये आपका साइड में इधर ऑयल होल दिखाया हुआ है, ये ऑयल होल हो गया, स्पिंडल हैंडल लॉकिंग हो गया, टेलीस्कोप स्पिंडल हो गया, ये स्क्रू हो गया इसका, ठीक है, थ्रेडेड स्क्रू हो गया। इसका नट होता है जो कि ब्रॉन्ज वगैरह या आपको गन मेटल वगैरह का बोल सकते हो। टेलीस्कोप लीवर लॉकिंग हो गया ये। बाकी दोस्तों ये इसकी जो अलाइनमेंट स्केल हो जाती है साइड में, जो ऑफसेट के दौरान हमें यूज़ में आती है, और इसके द्वारा यहाँ साइड में आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लैंप के लिए टी बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक टॉल जो टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर था पूरा। आई होप आपने इसके सारे पार्ट देखे, और इससे पार्ट से समझ में आ जाता है कि हमारे पार्ट अगर हमारे माइंड में सेटअप है, टेलीस्कोप सेटअप है, तो उससे हम रिलेटिव जो भी जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उसके आंसर हम इजीली दे सकते हैं, तो इसलिए हमारे पार्ट भी कन्फर्म होने चाहिए। दोस्तों आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।